मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज अर्चना बड़बुतिया। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्ट मतलब ये होता है कि जो सब डिविजन्स होते हैं प्रोटिस्ट में वो हमको पढ़ना है। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोटिस्टियन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी, मतलब इसमें ऑर्गेनिजम्स की नंबर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जब हम इनको कैटेगराइज्ड करते हैं तो इसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी आते हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर्स भी आते हैं, और लास्ट में अगर हम देखें तो इसमें प्रोटोजोअन प्रोटिस्ट भी आते हैं। तो इसमें दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए तो ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉपिक भी होते हैं। यहाँ पढ़ चुके हैं कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक क्या होता है। तो डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन का मीनिंग यही होता है कि जब हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो इसमें ऑर्गेनिजम्स की नंबर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन, जो इस टॉपिक का नाम है मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट के मेजर ग्रुप्स होते हैं, इनमें और भी डिविजन्स होते हैं, पर हम पहले इसके मेजर ग्रुप्स पढ़ेंगे। अगर प्रोटिस्ट जो अगर हम देखते हैं तो प्रोटिस्ट को तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिनको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, दूसरे होते हैं कंज्यूमर डीकम्पोजर्स प्रोटिस्ट, और थर्ड होते हैं प्रोटोजोन्स। आज हम बात करेंगे सिर्फ फोटोसिंथेटिक की। फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होते हैं उसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस अगर करते हैं तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रोड्यूसर नेचर के होते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसर का मतलब ये होता है कि ये अपना ऑन फूड बनाते हैं, है ना। आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्लांट लाइक ही फूड का फॉर्मेशन करते हैं। वो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेंगे। इनके अंदर अगर देखा जाए तो स्पेशली कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इनको हेल्प करते हैं। तो मोस्ट ऑफ इसमें अगर देखा जाए तो एल्गीज आती हैं। वो एल्गीज जो कहाँ पर होती है, ऐसी एल्गीज जो ज़्यादातर सॉल्ट वाटर में ही होती है, और ये सारे एक्वेटिक ही होते हैं। अगर देखा जाए तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं और कुछ कुछ सॉल्टी वाटर में रहते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब दोनों जगह पर ये रह सकते हैं। तो फोटोसिंथेटिक की अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेटिक में ऐसे सारे प्रोटिस्टियन ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब कि ये क्या होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे। तो फोटोसिंथेटिक की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 80% एटमोसफियर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ये यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। क्योंकि इनका यूज़ कौन करते हैं, इनका यूज़ करते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि एक्वेटिक होते हैं, वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो इनको फूड के फॉर्म में लेते हैं। तो आज हम पहले बात करते हैं फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होते हैं उनकी। फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्ट होते हैं उनको तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये इनके सब डिविजन्स होते हैं एक्चुअली। जो मेजर कैटेगरी क्या हो गई, फोटोसिंथेटिक हो गए, डीकम्पोजर्स हो गए, और थर्ड हो जाते हैं प्रोटोजोअन्स। ये इनकी सब डिविजन्स होते हैं, इनकी मेजर जो किंगडम्स होते हैं या मेजर इनका एक तरह से देखा जाए तो ग्रुप्स होते हैं, इनके अंदर डिविजन्स होते हैं। ये डिविजन्स कौन कौन से हो गए, डायनोफ्लैजिलेट, ट्राइटम्स और यूक्रिनॉइड। डायनोफ्लैजिलेट का मतलब क्या होता है, डायनोफ्लैजिलेट का मतलब ये होता है जिसमें दो फ्लैजिलास होते हैं। आपको इसके नाम से ही डिफाइन हो जाएगा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जिनमें कि टू फ्लैजिलास होते हैं, जिनमें दो फ्लैजिला होंगे तो उनको क्या बोलेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं अगर इनमें हम देखें तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी आउटर जो कवरिंग होती है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्युलोज की बनी होती है। जैसे प्लांट्स में नहीं होती है सेल्युलोज की, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है, तो ये भी काई की बनी होती है, सेल्युलोज की बनी होती है। जनरली अगर देखा जाए तो इनकी जो बॉडी होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, अपर पार्ट अलग होता है, लोअर पार्ट अलग होता है। किसकी बात कर रहे हैं हम, डायनोफ्लैजिलेट की बात कर रहे हैं। इनमें टू फ्लैजिलास होते हैं, फर्स्ट फ्लैजिला जो होता है इनके मिडिल साइड से निकलता है और सेकेंड जो फ्लैजिला होता है वो इसकी लोअर साइड से निकला होता है। इन सभी ऑर्गेनिजम्स में अगर देखा जाए डायनोफ्लैजिलेट के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो लाइट की प्रेजेंस में ही लेते हैं। अगर ये लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड ले रहे हैं, मतलब कि इनमें स्पेशल पिगमेंट्स होते हैं जिनको कि हम बोलते हैं कैरोटीन।
है ना, ये पिगमेंट्स ए भी होते हैं और सी भी होते हैं। तो इनमें कैरेटिनॉइड्स मेन पिगमेंट्स होता है जो कि इनको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जैसे प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ये भी एक पिगमेंट होता है जो इनको हेल्प करता है। ये अपना फूड कैसे लेते हैं, ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस से लेते हैं। अगर इसका हमको ये जनरली अगर देखा जाए तो सॉल्ट वाटर में रहते हैं। अब सॉल्ट वाटर मतलब क्या हो गया, समुद्री जल, मतलब कि ये अपनी पूरी लाइफ जो है कहाँ पर कंप्लीट करते हैं, समुद्र के अंदर करते हैं। इनमें जनरली रिप्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअली होता है। एसेक्सुअल मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी का ही कोई पार्ट अलग होता है और उससे क्या होगा फिर नया इंडिविजुअल फॉर्म होगा, मतलब कि नया डाइमोफ्लैजेलेट बनेगा। ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी हो सकता है। और दूसरा इसमें एक और प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। तो ये सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। इनमें एक मेन एग्जांपल है नॉक्टिल्यूका। नॉक्टिल्यूका एक ऐसा डाइनोफ्लैजेलेट है जो कि समुद्र में पाया जाता है। और समुद्र में ये क्या करता है, नाइट के समय चमकीले दिखाई देते हैं, ये शाइन करते हैं, मतलब जैसे आग नहीं दिखती है वैसे दिखते हैं, इसलिए इसको फायर एल्गी भी बोलते हैं। जनरली इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एल्गी की कैटेगरी में ही रखते हैं। एल्गी की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है डाइनोफ्लैजेलेट्स को, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और जनरली ऑर्गेनिजम्स भी हैं, क्योंकि ये कहाँ होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं। इनका जो यूज़ है वो जितने भी एनिमल्स होती हैं, जो फिशेस होती है, जो हर्बीवोरस होती है, वो इनको फूड के फॉर्म में लेती है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल है ग्लैंपीडियम और पेरिडियम। ग्लैंपीडियम और पेरिडियम इसके एग्जांपल्स होते हैं, जिसमें आपको फ्लैजिला दिख रहा होगा, यहाँ से फ्लैजिला निकलते हुए इसमें आपको दिख रहा होगा कि टू फ्लैजिलास होते हैं, एक इसकी मिडिल पोर्शन से निकलता है और दूसरा इसका लोअर पोर्शन से निकला होता है। जैसे पेरिडियम में होता है, पेरिडियम में भी इस तरह से फ्लैजिलास निकले होते हैं। तो डाइनोफ्लैजेलेट में टू फ्लैजिलास होते हैं। मैंने इसके इसके सिंपल जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको बता दिए हैं कि जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं। नेक्स्ट जो है आपको वो है डायटम्स। डायटम्स क्या होते हैं, तो डायटम्स अगर देखें तो ये दोनों टाइप के होते हैं। डायटम्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वेटिक भी होंगे और वाटर में भी होंगे कुछ ऑर्गेनिज, पर ये किसके फॉर्म में होते हैं, कॉलोनी के फॉर्म में होते हैं, ये इंडिविजुअल के फॉर्म में नहीं होते। कॉलोनी का मतलब ये होता है कि अगर ये एक उत्पन्न होते हैं या एक डेवलप होता है तो पूरी कॉलोनी ये फॉर्म कर लेते हैं। जनरली ये कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। मैंने आपको इसमें बताना भूल गई थी मैं कि जो डाइनोफ्लैजेलेट होते हैं, डाइनोफ्लैजेलेट भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं, पर ये आते किस में है, ये आते हैं यूकेरियोट्स में, है ना। होते ये कैसे है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं पर आते किस में है, ये यूकेरियोट्स में आते हैं। डायटम्स जो होते हैं उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन कौन सा क्लोरोफिल होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, जैंथोफिल होता है। इस पिगमेंट के कारण ही इनका रंग कैसा दिखता है, इनका कलर दिखता है येलो ब्राउन कलर दिखता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है गोल्डन एल्गीज, है ना। ये गोल्डन एल्गीज होंगी, पर इनको जो है एक तरह से देखा जाए तो फायर एल्गी बोलते हैं, क्योंकि रात में ये कैसे दिखते हैं, जैसे आग नहीं चमकती है वैसे। तो डाइनोफ्लैजेलेट को जनरली बोला जाता है फायर एल्गी और इसको बोला जाता है गोल्डन एल्गी डायटम्स को। ये जनरली फाइटोप्लैंकटन के फॉर्म में होते हैं। फाइटोप्लैंकटन क्या होते हैं, फाइटोप्लैंकटन का मतलब ये होता है कि जनरली अगर देखा जाए तो जो वाटर होता है, वाटर में टू तरह के प्लैंकटन्स होते हैं, फाइटोप्लैंकटन्स और जूप्लैंकटन्स। जितने भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उन सभी को फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं, और जितने भी एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको क्या बोला जाता है, जूप्लैंकटन्स। इन दोनों का ही यूज जो फिशेस होती हैं वो अपने फूड के फॉर्म में करती हैं। हर्बीवोरस फिशेस फाइटोप्लैंकटन्स का यूज करती है क्योंकि ये प्लांट लाइक होते हैं, और कार्निवोरस फिशेस जो है वो जूप्लैंकटन का यूज करती है क्योंकि वो एनिमल लाइक होते हैं। तो ये दोनों एक तरह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए एक फूड का सोर्स होते हैं, फाइटोप्लैंकटन और जूप्लैंकटन्स। डायटम्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक हैं, सूक्ष्मजीवी हैं, मतलब इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इसका मैंने एक प्रैक्टिकल भी किया है। जो स्टोर्ड वाटर होता है, बहुत टाइम से जगह इकट्ठा वाटर होता है, उसका अगर हम सैंपल लें और उस सैंपल को अगर हम स्टैनिंग करें, मतलब उसकी कलर करें, और अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं,
तो वो एनिमल्स जो होते हैं वो एक्चुअली डायटम्स ही होते हैं। देन ये क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं और बहुत सारे कलर्स के होते हैं। इनकी अगर देखा जाए तो इनका शेप राउंडेड भी हो सकता है, एक तरह से देखा जाए तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइगोनल भी हो सकता है, तो बहुत सारे स्पिंडल शेप भी हो सकता है, बॉट लाइन भी हो सकता है, तो बहुत सारे इनके शेप्स होते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बुक से बता रही हूँ। मैं जितने भी डायटम्स होते हैं उनकी आउटर जो कवरिंग होती है वो टू अलग अलग मेम्ब्रेन से मिलकर बनी होती है, और ये अगर देखा जाए तो टू अलग अलग पार्ट्स में बटी होती है जिसको कि इपिथीका और हाइपोथीका बोलते हैं। इपिथीका और हाइपोथीका क्या होती है कि इनके अगर हम देखें तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो टू पार्ट्स में बटी होती है। आउटर जो पार्ट होता है उसको इपिथीका बोलते हैं और इनर पार्ट को बोला जाता है हाइपोथीका। इनमें डायटम्स जो होते हैं वो एक तरह से इनकी जो मेम्ब्रेन होती है या इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और पेक्टिन सब्सटेंस की बनी होती है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें भी सेलुलोज प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये क्या है फोटोसिंथेटिक पढ़ रहे हैं प्रोटिस्ट, तो इनमें भी क्या होगा सेलुलोज प्रेजेंट होगा, तो इनकी जो सेल वॉल है वो भी किससे बनी होगी, पेक्टिन या सेलुलोज की बनी होगी। इनकी सिमेट्री जो होती है वो पिन्नेट होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री बता देती हूँ मैं आपको, बायलेटरल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि किसी के भी अगर हम मिडिल पोर्शन में एक लाइन बनाएं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर मिडिल पोर्शन में एक लाइन बनाएं तो दोनों तरह की जो सिमेट्री वो सेम होना चाहिए। जैसे हमारी अगर हम मिडिल पोर्शन में अगर एक लाइन बनाएं तो हमारे दोनों पार्ट समान है, इधर भी एक आई है इधर भी एक आई है ना, सेम कॉमन हमारा पोर्शन होते हैं, दोनों इक्वल पोर्शन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। इनमें जनरली अगर देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर इनके अगर हम देखें तो इनके लाइफ साइकिल में दो पार्ट्स होते हैं, एक में ये क्या करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और दूसरे में क्या करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं गैमिट बना लेते हैं, और गैमिट बना के वही ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं फिर आगे जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनमें दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। डायटम्स जितने भी होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि इनका यूज जो है बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। पहला इनका यूज होता है कि ये पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। पॉल्यूशन को कैसे इंडिकेट करते हैं कि जहाँ पर ये मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, मतलब समझ जाइए कि वहाँ का जो वाटर है वो पॉल्यूटेड वाटर है, तो ये सब वाटर पॉल्यूशन को इंडिकेट कर देते हैं। इनकी बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती है जिनका यूज टूथपेस्ट बनाने में भी होता है, ईटे बनाने में भी होता है, और बहुत जगह इनका यूज जो होता है एक तरह से देखा जाए तो ये क्या करते हैं पानी में जल्दी ग्रो करते हैं, तो ये उस जगह को पानी वाली जगह को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब वो लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका यूज फिल्टर के फॉर्म में भी किया जाता है, ये फिल्टर के फॉर्म में भी यूज होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जितने भी डायटम्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि पॉल्यूशन के प्रति संवेदनशील होते हैं, मतलब सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पर भी पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहाँ पर ये जल्दी ग्रो करते हैं। अब नेक्स्ट है आपका यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूग्लिनॉइड जो है इसको फोटोसिंथेटिक की कैटेगरी में तो रख रहे हैं, फोटोसिंथेटिक की कैटेगरी में रखने के बाद भी ये हमको पता है कि ये दोनों में ही आता है, ये एनिमल में भी आता है और ये प्लांट्स में भी आता है। जो जो प्लांट स्पेशलिस्ट होते हैं, जो साइंटिस्ट जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं, तो वो इनको किस में रखते हैं, वो इनको प्लांट्स में रखते हैं, पर बहुत सारे ऐसे जूलॉजिस्ट हैं जो कि एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो वो इनको किस में रखते हैं एनिमल किंगडम में रखते हैं। तो अगर हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा बी टेकर का तो हमें पता चला कि प्रोटिस्टियन है, एक अलग कैटेगरी में ही आ रहे हैं जिसमें एनिमल और प्लांट दोनों के बीच ही किसका काम करते हैं लिंक का काम करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है यूग्लिना। हाँ यहाँ पर मैं डायटम का एग्जांपल आपको बताना भूल गई, इसका नेविकुला है और यूनोटिया है, तो ये दोनों जो है इसके एग्जांपल है। यूग्लिनॉइड में इसका बेस्ट एग्जाम्पल यूग्लिना है, जो कि दोनों है, एनिमल लाइफ भी होता है और प्लांट लाइफ भी होता है। एनिमल लाइफ जो होता है ये हमने पढ़ा था, जो फूड एक तरह से देखा था हमने न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसमें हमने देखा था। तो यूग्लिना के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किस में आते हैं यूग्लिनॉइड में आते हैं, तो ये क्या करते हैं
फोटोट्रॉपिक भी करते हैं, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी लेते हैं और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी ये लेते हैं, मतलब दोनों तरह से ये न्यूट्रिशन को लेते हैं, है ना। इनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है, मतलब ये ऑन फूड भी बना लेते हैं और ये एनिमल लाइक भी फूड को लेते हैं। इनके ऊपर अगर देखा जाए तो एक प्रकार की मेम्ब्रेन होती है, स्पेशल टाइप मेम्ब्रेन होती है, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसको पेलिकील बोला जाता है। इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बताऊंगी, पर एक जनरल कैरेक्टर में आपको बता रही हूँ कि दोनों तरह से कैसे काम करते हैं। ये एनिमल लाइक भी फूड ले सकते हैं, है ना। इनमें इनके अपर पोर्शन जो होता है उस पर माउथ होता है, माउथ लाइक पोर्शन होता है, नीचे की निचली जो सरफेस होती है उसमें रिजर्वायर होता है जो वेस्ट मटेरियल को रिलीज कर सकता है। इनमें वैक्यूल्स भी होती हैं, और अगर इसमें देखें तो फ्लैजिला जो होते हैं वो दो होते हैं, एक फ्लैजिला बहुत शॉर्ट होता है और एक फ्लैजिला बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। इनमें न्यूक्लियस की नंबर्स जो होती है वो दो होती है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है और मैक्रो न्यूक्लियस होता है। माइक्रो और मैक्रो समझ गए होंगे आप, जो छोटा होता है न्यूक्लियस उसको माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं और जो बड़ा होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। तो मैं इसको आपको स्ट्रक्चर से बताऊंगी, ये वाला मैं आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्म करके बताऊंगी, पर अभी हम इसका डिवीजन देख लेते हैं कि कंज्यूमर डीकंपोजर्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं, जिसको हम ए सेल्युलर स्लाइम मोल्ड बोलते हैं और सेल्युलर स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। ए सेल्युलर का मतलब क्या होता है कि ये सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती है, सेल्युलर का मतलब होता है जो कंप्लीट सेल के फॉर्म में होती है और इसमें स्लाइम मोल्ड्स आती है। क्यों आती है, डीकंपोजर्स क्यों बोल रहे हैं कंज्यूमर डीकंपोजर्स, क्योंकि ये क्या करती है डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खत्म कर देती है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कंज्यूमर डीकंपोजर्स। इनको भी हमको डिटेल्ड पढ़ना है, पर अलग अलग वीडियोस में मैं आपको ये सेंड करूंगी। प्रोटोजोअर को हम फोर कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, फ्लैजिलेटा, सार्कोडायना, प्रोटोजोआ और सिलिएटा। इनके ऑर्गेनिजम्स को आप पहले से थोड़ा बहुत जानते होंगे, पर हमको फिर भी इनको डिटेल्ड पढ़ना है। तो यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन मैंने आपको सिर्फ बताया है और फोटोसिंथेटिक को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो मैं टॉपिक है वो आपको यूग्लिनॉइड पढ़ाऊंगी, यूग्लिनॉइड में यूग्लिना की स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगी कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पर ये मैं टॉपिक ऐड कर रही हूँ, उसके बाद मैं आपको कंज्यूमर डिकम्पोजर्स पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको प्रोटोजोन्स पढ़ाऊंगी। थैंक यू।